हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में। इन कानूनों का भारत की जनता पर, भारत देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके से भारत देश के जो पुलिस कर्मचारी हैं इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे, इसी बात पर दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 76 साल की आजादी के बाद भारत में ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से 1860 में बने भारतीय दंड संहिता आईपीसी को बदलकर 3 नए आपराधिक कानून लाए जाएंगे। ये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे। दोस्तों, इसके लिए पूरे देश में पुलिस कर्मचारियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 जून तक पुलिस कर्मचारियों को 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नए कानूनों के प्रावधानों से भलीभांति परिचित हो सकें और उन्हें प्रभावी ढंग से जनता के बीच में लागू कर पाएं। नए कानूनों का आम नागरिकों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। नागरिकों को अपने अधिकारों और कानूनों के तहत उपलब्ध राहत के बारे में जागरूक होना चाहिए। नए कानूनी आपराधिक प्रावधान हैं, उन्हें न्यायिक ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। इन कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक कुशल, पारदर्शी और पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाना है। दोस्तों, इन कानूनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, न्याय में तेजी। इन कानूनों का लक्ष्य अपराधों की जांच और मुकदमों को तेजी से निपटाना है ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। पहले समय में दोस्तों इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था। पहले समय में कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती रहती थी, मुकदमे 20-20 साल तक लंबित रहते थे। इन नए आपराधिक कानूनों में इस प्रणाली को रोक दिया गया है और तेजी से मुकदमों का निपटारा करने के लिए इसमें प्रावधान बनाया गया है। नंबर 2 है दोस्तों, सबूतों का महत्व। नए कानून में वैज्ञानिक और डिजिटल सबूतों को अधिक महत्व दिया गया है ताकि अपराधों को साबित आसानी से किया जा सके। नंबर 3, पीड़ितों के अधिकार। नए कानून पीड़ितों के अधिकार को मजबूत बनाते हैं और उन्हें बेहतर मुआवजा प्रदान करते हैं। नंबर 4, सजा में कठोरता। दोस्तों, पहले कानून के मुकाबले इन कानूनों में सजा को अत्यधिक कठोर बनाया गया है। गंभीर अपराधों के लिए सजा में कठोरता लाई गई है ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।